दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के बारे में, जो बगल में गांठें हो जाती हैं, सूजन हो जाती है उसके अंदर में, उसके बारे में आपसे हम बात करेंगे। दोस्तों यह कैसे होता है, इसमें किस किस दवाओं का इस्तेमाल होता है, होम्योपैथिक में कौन कौन से इसके उपचार हैं, और मैं आज इस पे तीन मुख्य दवाओं के बारे में बातचीत करूँगा। दवाएं तो बहुत सारी हैं, 500 दवाएं हैं। तीन मुख्य दवाएं हैं जिसके बारे में मैं आपसे बातचीत करूँगा, उनके किन किन लक्षणों पे ये दवाएं दी जाती हैं, आज हम इसी बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों बगल में गांठें या एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग हो जाना, ये क्यों होता है, पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। देखते हैं कि लिम्फ नोड्स क्या होते हैं। लिम्फ नोड्स बेसिकली क्या होते हैं कि शरीर में ये रोग से लड़ने की क्षमता होती है, इनके अंदर में ये ऐसी ग्रंथियां होती हैं जिनके अंदर में लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स का काम क्या होता है कि ये शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता है, ये शरीर की समझ लीजिए कि आर्मी है, जो बाहर से आने वाली जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, या बीमारियाँ मतलब वायरस, बैक्टीरिया या जितने भी फंगस, कोई भी इन्फेक्शन शरीर के अंदर आता है तो उनको दूर करने का काम ये करते हैं। ठीक है, तो अब ये दूर करने का काम करते हैं तो इनका जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि जब भी शरीर में कोई भी वायरस या बैक्टीरिया या इन्फेक्शन शरीर में आता है तो वो ब्लड के माध्यम से सर्कुलेट होता है। तो ब्लड के माध्यम से जब ये सर्कुलेट होता है तो जिस जगह पर जा करके ये रुक जाता है या जहाँ पर जा करके ये इन्फेक्शन पैदा करता है, तो वहाँ के जो पास में, जैसे होता है ना कि कोई एरिया है तो उस एरिए में एक पुलिस स्टेशन होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिए के लिए एक कई सारी पुलिस होती है जो कि सुरक्षा प्रदान करती है लोगों को। तो वैसे ही शरीर में भी होता है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग लिम्फ नोड्स के रूप में, लिम्फ नोड्स जो होते हैं उसके अंदर में हमने बताया कि लिम्फोसाइट्स इकट्ठे होते हैं, जो कि हमारे शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता होती है। बेसिकली वो हमारे वाइटल फोर्स उसको बोल सकते हैं, या ये हमारा जो काम करता है कि शरीर में जितनी बीमारियां आती हैं या जो इन्फेक्शन आता है उनको ये दूर करने का काम करता है, उनको किल करने का काम करता है। तो अब ये अलग अलग लिम्फ नोड्स होते हैं, जैसे सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं, सर्वाइकल रीजन में यहाँ पे होते हैं, कान के पीछे साइड में यहाँ पे, ठीक है, नाक में होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिनोइड्स बोलते हैं, या यहाँ पे नाक में सूजन हो जाती है, कभी कभी आपने देखा होगा, वो भी वही काम करता है। टॉन्सिल्स होते हैं, ठीक है, इनको नाक में पॉलिप के नाम से जानते हैं। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे होते हैं लिम्फ नोड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं कि कौड़ी छुआ गई या होता है ना। तो इस तरह से बॉडी में और भी बहुत सारे लिम्फ नोड्स होते हैं, हजारों की संख्या में, अलग अलग जगह पे होते हैं, छोटे छोटे, बड़े बड़े। तो ये कुछ मेन है जिनकी मैंने आपसे बात करी, ठीक है। तो अब इनके अंदर में जब सूजन हो जाती तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जब इन्फेक्शन पैदा हो जाता है, अब इनका जहाँ पे असर होगा, अब इनका असर कहाँ पे होता है, जैसे अब ये कब अफेक्टेड होते हैं, जब आपके सीने में, आपके चेस्ट में कहीं पर कोई इन्फेक्शन होता है, या उसके आसपास के एरिए में जिनका जितना इनका एरिया होता है, तो ये इनके अंदर में सूजन आ जाती है। सूजन आने का मतलब ये है कि ये उस रोग से या उनको किल करने के लिए ये अपनी संख्या को क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, अपनी संख्या को ये बड़ा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए, कहते हैं कि जब आर्मी में या किसी देश से जब युद्ध होता है तो आर्मी की भर्ती होनी शुरू हो जाती है ना, वैसे ही जब शरीर के अंदर में बीमारियां पैदा होती हैं तो इनकी संख्या क्या होती है, तेज़ी से बढ़ने लगती है। और जब ये तेज़ी से बढ़ने लगती है तो क्या होता है कि ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनकी साइज भी बढ़ जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वेलिंग हो गई। उनको छूने पे गर्म महसूस होता है, दर्द महसूस होता है। कारण क्या होता है कि जब रेडनेस या दर्द वहाँ पर होता है जहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन वहाँ पर होता है जहाँ पर कि जो RBCs हैं या WBCs हैं, इनकी संख्या जब बढ़ जाती है, ठीक है, वाइट कॉपसेल्स, तो जब इनकी संख्या बढ़ जाती है, मात्रा बढ़ जाती है, तो वहाँ पे रेडनेस हो जाती है, सूजन हो जाती है। तो ये कारण होता है इसके सूजन होने का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि
क्योंकि इन्फेक्शन कहीं पे हुआ है जिसकी वजह से इनकी संख्या बढ़ी है, जिसकी वजह से, तो ये बढ़ना एक अच्छी चीज़ है ताकि ये रोगों से रोगों को दूर कर सके, जो इन्फेक्शन उसको दूर कर सके, इसके लिए इनकी संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया कि कैसे होता है, ये क्यों होता है, ये तो समझ में आपको आ गया होगा। अब इसमें हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन का क्या रोल होता है? होम्योपैथिक मेडिसिन इसको और स्टिमुलेट करती है, ऐसे समझ लीजिए, या ऐसे समझ लीजिए कि हमारी जो शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता है उसको और बढ़ा देती है। ठीक है, यहाँ पे कई सारे मेडिसिन का इस्तेमाल होता है ऐसी कंडीशन में। मैं आपको तीन मुख्य ऐसी मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि बड़ा काम आती है ऐसी कंडीशन के लिए, और भी मेडिसिन है, जिक्र अगर हुआ तो बताऊँगा मैं। पहली मेडिसिन है ऐसी कंडीशन के लिए बेराटाकार्ब। बेराटाकार्ब बेसिकली लेफ्ट साइड की मेडिसिन है, बाईं तरफ इसका ज़्यादा असर होता है, काम दोनों तरफ करती है लेकिन लेफ्ट साइड में है तो ज़्यादा असर होता है, पहली चीज़। दूसरा, इसका जो दर्द होता है वो दर्द तो मान लीजिए जैसे है, अब लिम्फ नोड्स यहाँ पे है तो उसके अंदर तो दर्द है, साथ में क्या होता है कि ये हाथ में भी दर्द चला जाता है। कभी भी सिंगल मेडिसिन है दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज़ को, अगर लिम्फ नोड्स में पेन है और उसके साथ में हाथ में भी दर्द है, सिंगल मेडिसिन है बेराटाकार्ब, दूसरी कोई मेडिसिन नहीं इस सिम्टम पे। ठीक है, दूसरा कैसे हम इसको और कैच आउट करते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि बेराटाकार्ब भी देना है? बेराटाकार्ब का कुछ सिम्टम होता है कि बेराटाकार्ब का जो पेशेंट होता है आप देखेंगे उसको सलाइवेशन ज़्यादा होता है, रात में पेशेंट जब सोता है तो कभी कभी उसके सलाइवा निकल जाते हैं बाहर, इस सिम्टम पे मर्कसोल भी आती है, ये ध्यान रखिएगा, डिफ्रेंशिएटिंग सिम्टम है ये, तो मर्कसोल भी सिम्टम पे, लेकिन मर्कसोल के सिम्टम अलग होते हैं, उसकी जीभ थुलथुली होती है, मोटी होती है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, जो कि ये सारे सिम्टम आपको बेराटाकार्ब में नहीं मिलते हैं। बेराटाकार्ब का जो पेशेंट होता है वो बिल्कुल बच्चों जैसी उसकी हरकतें होती हैं, वो दिखने में जैसे कहते हैं ना कि बच्चे और बूढ़े बिल्कुल एक समान होते हैं, तो ये इस तरह की उसकी मेंटलिटी होती है, थिंकिंग होती है, जैसे बच्चों जैसी हरकतें करता है, इडियट टाइप का होता है। ठीक है, उसकी हरकतें बच्चों वाली होती हैं, चाहे वो बूढ़ा हो, यंग एज में हो या बच्चों में हो। ठीक है, तो ये सिम्टम है, दर्द है, हाथों तक चला जाता है, पसीना बहुत होता है पैरों में, पैरों में बहुत ज़्यादा पसीना होता है, बदबू बहुत होती है उसके अंदर में। अब पैरों में पसीना होना, बदबू होना साइरिसिया में भी है, तो ये है, लेकिन साइरिसिया में इडियोसिटी नहीं होती है। जो सिर होता है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू बॉडी, ये साइरिसिया में भी है, साइरिसिया में भी सिर बड़ा होता है, शरीर दुबला पतला होता है। बेराटाकार्ब में भी होता है, सिर बड़ा होता है, शरीर दुबला पतला होता है, लेकिन जो बेराटाकार्ब का पेशेंट होता है वो इडियोटिक टाइप का होता है, मतलब वो उसकी जो हरकतें होती हैं वो बच्चों जैसी होती हैं। ठीक है, दूसरा जो स्टूल होता है वो कॉन्स्टिपेशन होता है साइलिसिया के अंदर में, बेराटाकार्ब में होता है कि इस तरीके का नहीं होता है, साइलिसिया का जो स्टूल होता है वो हार्ड होता है, और एक ख़ास बात होती है कि स्टूल रिसीट्स अगेन हो जाता है, मतलब कभी कभी बाहर निकलता है लेकिन उसके बाद फिर लगता है कि अंदर चला गया। ठीक है, इस सिम्टम पे इसको हम कंपेयर कर सकते हैं थूजा के साथ में, थूजा में भी ये सिम्टम पाया जाता है, रिसीट्स अगेन, लैट्रिन बाहर जाते जाते अंदर चली जाती है। दो मेडिसिन इंपॉर्टेंट हैं इस सिम्टम पे, साइलिसिया और थूजा, लेकिन थूजा में और साइलिसिया में अंतर क्या है? साइलिसिया का जो पैर में पसीना होता है उसमें बदबू होती है, थूजा में ऐसा नहीं होता है, तो ये अंतर है। बेराटाकार्ब का मैंने बताया, तो एक मेडिसिन हो गई आपकी बेराटा, दूसरी मेडिसिन हो गई साइलिसिया। साइलिसिया भी बहुत अच्छी मेडिसिन है इस चीज़ के लिए, सूजन है, दर्द है, लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा नहीं है, मीठा मीठा दर्द होता है साइलिसिया में, पैरों में पसीना होता है, पैरों में बदबू होती है, लेकिन एक और अंतर होता है साइलिसिया और बेराटाकार्ब में। साइलिसिया के पेशेंट को सिर में बहुत ज़्यादा पसीना होता है, जबकि बेराटाकार्ब के पेशेंट को इतना ज़्यादा पसीना नहीं होता, होता है कम होता है, चूँकि इसमें कार्बन है तो होगा लेकिन कम होता है, लेकिन साइलिसिया के पेशेंट में सिर में पसीना बहुत ज़्यादा होता है।
जैसे कि कैल्केरिया कार्ब में होता है। कैल्केरिया कार्ब के पेशेंट में भी सिर में बहुत ज़्यादा पसीना होता है, ठीक है, लेकिन कैल्केरिया कार्ब का पेशेंट हेल्दी होता है, मोटा होता है, थुलथुल होता है, वीक, लेकिन शरीर में कम, जितना मोटा दिखता है उतना शरीर में ताकत नहीं होती है। साइलिसिया का पेशेंट दुबला पतला होता है, ठीक है, सिर बड़ा होता है, शरीर दुबला पतला होता है, ये अंतर होता है। तो दूसरी मेडिसिन मैंने बताया आपको साइलिसिया। तीसरी मेडिसिन है लाइकोपोडियम। दोस्तों लाइकोपोडियम बहुत अच्छी मेडिसिन है, अगर बगल में गांठें हो जाए तो उसके लिए, उसको जल्दी से सही करने की अच्छी मेडिसिन है। लेकिन लाइकोपोडियम के जो मेन सिम्टम है वो मिलने चाहिए। राइट साइड की मेडिसिन है, दाहिनी तरफ इसके जो तकलीफें होती हैं वो दाहिने तरफ ही होती हैं। बेराइडा कार्प में लेफ्ट साइड की मैंने बताया आपको। साइलिसिया में दोनों तरफ मिल सकता है, लेकिन उसके साथ में उसके जो मेन सिम्टम्स है वो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। सिर में बहुत ज़्यादा पसीना होना, लैटिन कड़ी होना, रिसीट्स अगेन, ये सिम्टम होता है। अब लाइकोपोडियम का जो पेशेंट होता है उसका सिम्टम क्या होगा कि पेशेंट को मीठा बहुत ज़्यादा पसंद होता है, मीठा बहुत खाता है, गुस्से वाला होता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बहुत ज़्यादा होता है, एग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, किसी के सामने अपनी बात को रख नहीं पाता है। जब किसी के सामने बोलना शुरू करता है तो उसको बड़ी हिचक होती है, झिझक सी महसूस होती है, लेकिन जब वो अपनी बात कहना शुरू कर देता है तो फिर वो फर्राटेदार बोलना शुरू कर जाता है। ये लाइकोपोडियम का बहुत बड़ा सिम्टम होता है। पेट में गैस की समस्या होती है, नीचे की साइड में गैस पास होती है, गैस पास होती है तो उसको आराम मिल जाता है उसकी तकलीफ़ों में, ये एक सिम्टम होता है। जो तकलीफ़ें होती हैं मेनली शाम को 4 बजे से 8 बजे के बीच में इसकी तकलीफ़ें बढ़ती हैं लाइकोपोडियम की। तो दोस्तों ये सारे सिम्टम हैं लाइकोपोडियम के, राइट साइड में अगर हो और इसके साथ में और जो तकलीफ़ें जो चाहिए मैंने आपको बताई, अगर ये सारे सिम्टम हो तो वहाँ पर लाइकोपोडियम देने से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। एक आपको मैं बोनस देता हूँ, आज मैं बोनस आपको एक मेडिसिन के तौर पे दूंगा। एक मेडिसिन का एक सिम्टम बता रहा हूँ, अगर वो सिम्टम मिल जाता है तो आपको बिल्कुल काम करेगी। एक दवा है लैकेसिस, लेफ्ट साइड की मेडिसिन है, लेकिन काम ये दोनों में करती है, स्पेशली लेफ्ट साइड की है। इसका एक बड़ा खास सिम्टम होता है दोस्तों कि अगर साइड में स्वेलिंग है लेकिन दर्द नहीं है उसके अंदर में, पेनलेस है, सिंगल मेडिसिन है लैकेसिस। अगर साइड में एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग है, दर्द नहीं है, आप लैकेसिस दीजिए, बिल्कुल फ़ायदा होगा और बिल्कुल क्योर कर दीजिए। लैकेसिस के और भी सिम्टम हैं, गले में उसको कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है, गले में अगर कोई भी चीज़ कपड़ा है या दुपट्टा है या लेडीज़ के केस में या कोई गमछा है कुछ भी अगर हो तो बड़ा उलझन सा महसूस होता, मन करता उसको ढीला कर दे, ये एक बड़ा खास सिम्टम होता है लैकेसिस का। कमर में भी ऐसे ही होता है, ढीला ढाला कपड़ा पहनना चाहता है पेशेंट, ढीला ढाला कपड़ा पहनना चाहता है सीपिया का भी पेशेंट, सीपिया में भी ये सिम्टम पाया जाता है, लेकिन ढीला ढाला, ठीक है। लेकिन अगर साइड में है तो उसके लिए लैकेसिस है, पेनलेस है। तो दोस्तों ये 4 मेडिसिन है बहुत इंपॉर्टेंट। उम्मीद करता हूँ कि अगर इस तरह के सिम्टम आपके सामने आते हैं, इस तरह के केसेज आपके सामने आते हैं, तो आप अगर इन ये सिम्टम मिल रहे हैं, अगर आप दवा देते हैं, आप वहाँ पे 30-200 पोटेंसी को सुबह शाम करके रिपीट कर सकते हैं। अगर सिम्टम मैच करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी पेशेंट को आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आज की बात बस इतनी ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने और भी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इसको शेयर करिए ताकि वो भी लोग इससे फ़ायदा ले सकें। चैनल पर रहे दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। ऐसे तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपको आपके लिए हमेशा मैं लाता रहूँगा। और कोई भी चीज़ अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने का। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।